नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं हेल्थ इंडिया, जहां हम बात करते हैं आपके और हमारे सेहत के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं, क्या आप भी छोटी छोटी बातों पर टेंशन लेते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो आपको इन बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ, जो लोग छोटी छोटी बातों पर टेंशन लेते हैं, उन्हें स्ट्रेस की समस्या हो सकती है। स्ट्रेस आगे चलकर निम्नलिखित बीमारियों का कारण बन सकता है। ऐसे चुनौतीपूर्ण और भागदौड़ भरे माहौल में टेंशन होना काफी आम बात है, मगर टेंशन जिंदगी का अभिन्न हिस्सा है जो कि मैनेज किया जा सकता है। इसी वजह से कुछ लोग टेंशन होने के बाद भी लाइफ को खुशहाल तरीके से जीते हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो छोटी छोटी बातों पर टेंशन लेने लगते हैं, फिर उस टेंशन के बारे में सोच सोच कर स्ट्रेस यानी कि तनाव का शिकार हो जाते हैं। अगर आप भी ऐसे व्यक्ति हैं जो छोटी छोटी बातों पर परेशान होते हैं, टेंशन लेते हैं, तो आपको इन बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। ज्यादा टेंशन लेना सीधे आपके शरीर और दिमाग पर असर डालता है, जिस कारण आपका स्वास्थ्य काफी प्रभावित हो सकता है और आपको कई बीमारियां घेर सकती है। सबसे पहला मोटापा। जब शरीर का फैट बढ़ने लगता है तो मोटापा बन जाता है, लेकिन इसका संबंध टेंशन से भी हो सकता है, क्योंकि ज्यादा टेंशन लेने से दिमाग कॉर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन का उत्पादन बढ़ा देता है, जो कि फैट जमा होने की प्रक्रिया बढ़ा सकता है। दूसरा, डायबिटीज। छोटी छोटी बातों पर टेंशन लेने से डायबिटीज का खतरा भी पैदा हो सकता है, क्योंकि टेंशन में मरीज की खाने की आदत बदल सकती है और उन्हें अनहेल्दी खाने का खतरा बन सकता है। लंबे समय तक ये अनहेल्दी खाना ब्लड शुगर का स्तर असंतुलित कर सकता है और डायबिटीज विकसित हो सकती है। तीसरा, दिल की बीमारी। ज्यादा टेंशन लेने से स्ट्रेस की समस्या हो सकती है। स्ट्रेस न सिर्फ आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, बल्कि ये आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी बढ़ा देता है, जिससे दिल पर सीधा बुरा असर पड़ता है और दिल की बीमारी विकसित हो सकती है। साथ ही दिल की तरह टेंशन दिमाग को भी नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल दिमाग तक जाने वाले रक्त को भी बाधित कर सकता है। साथ ही साथ आखिरी में आप अस्थमा का भी शिकार हो सकते हैं। अस्थमा भी उन बीमारियों में से एक है जो टेंशन और स्ट्रेस के कारण पैदा हो सकती है या बढ़ भी सकती है। ऐसे कई रिसर्च में ये देखा गया है कि टेंशन या स्ट्रेस अस्थमा के रोगियों को दिक्कत पैदा कर सकता है। जी हाँ, तो अगर आप भी छोटी छोटी बातों पर परेशान होते हैं तो परेशान होना बंद कर दें, उसके समाधान के बारे में सोचें और जिंदगी को एक खुशहाल तरीके से जिए। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। धन्यवाद। हेल्थ संबंधित अन्य जानकारी के लिए हेल्थ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हेल्थ इंडिया के वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।